Hey, welcome back to Royal Kitchen ASMR। और आज हम लोग मिल्क पेड़ा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ईजली बन जाता है और बहुत ही कम चीज़ें इसमें लगती हैं। हमने एक लीटर मिल्क ले लिया है और इसको हम लोग उबाल रहे हैं, कुक कर रहे हैं, जिससे कि ये थिक हो जाए और इसका मावा बनेगा थिक होने के बाद, और उसी से हम लोग मिल्क पेड़े बनाएंगे। और हम लोग इसे 5-6 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं हाई फ्लेम पे उबालते हुए, और थोड़े थोड़े देर पे इसको हम लोग चलाते रहेंगे ऐसे कि ये नीचे जले ना। और ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, आप देख सकते हैं। और हमने स्पैटुला भी चेंज कर दिया है, क्योंकि ये जो साइड में है वो हमारे उस वाले स्पैटुला से निकलेगा नहीं, तो हमने स्टील का लिया है नॉर्मल, और उससे हम करेंगे क्योंकि नीचे ये पकड़ भी सकता है। और इसको लगातार चलाना है ऐसे, और साइड का भी हमें बिल्कुल निकाल लेना है इस स्पैटुले की मदद से। और हमें लगभग 20 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट में हमारा ऐसा आ गया है, टोटल 20 मिनट में बता रहा हूँ, पहले का भी मैंने ऐड किया है। और इसमें अब आगे क्या करना है हम बताते हैं आपको। और अब इसमें करना ये है कि इसमें हम लोग एक चम्मच छोटी इलायची है उसे डालेंगे, और एक कटोरी चीनी डालनी है हमें, एक छोटी कटोरी है ये, आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको खाना हो। और इसको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, और उसी पे डाल के इसको लगातार चलाते रहना है इस तरह। अगर नहीं चलाएंगे तो फिर ये नीचे से पकड़ सकता है और फिर ख़राब लगेगा खाने में, तो इसको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहिए अच्छे से। और ये अभी और थिक हो जाएगा, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे और वेट करेंगे। और ये बिल्कुल थिक हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस में हमको 35-40 मिनट्स लगे हैं यहाँ तक, अभी तक मतलब जितना हमने प्रिपेयर किया है। और अब हम इसको एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि इसका हमें पेड़ा बनाना है, और अगर हम कढ़ाई में छोड़ देंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में। तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए, 10-15 मिनट लगेगा ठंडा होने में। तो ठंडा होने के बाद फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो तुरंत हो जाएगा। आपको हम मिलते हैं इसको ठंडा होने के बाद। और ये अब ठंडा हो चुका है, तो अब इसको नॉर्मली पेड़े का छोटा छोटा लेके हम लोग पेड़े के शेप में दे लेंगे इसको, और ऐसे बीच में एक उंगली से ऐसे काट देंगे। और ऐसे ही बाकी सारे भी हम बना लेंगे। ये छोटी इलायची के दाने हैं ऊपर से लगाने के लिए कि मिल्क इलायची पेड़ा, वैसे हमने इलायची मिला दी थी तो ये मिल्क इलायची पेड़ा भी हम कह सकते हैं। और ऐसे हम करके सारे बना लेंगे। और ये सारे पेड़े हमारे बनके रेडी हो चुके हैं, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं, तो आप इसको ट्राई करें और हमें खा के फिर बताएं कि ये कैसे बने थे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।